यूपी के बहराइच में बीती शाम दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। इस घटना में एक युवक की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। हालात काबू करने के लिए भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल एसपी वृंदा शुक्ला ने लापरवाही बरतने के आरोप में हरदी थाने के एसओ और महसी के चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। मैं खुद सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है। दरअसल 13 अक्टूबर की शाम बहराइच के महसी तहसील के हरदी क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में समुदाय विशेष के मोहल्ले से दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में कहासुनी हुई, फिर देखते ही देखते ये कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। कुछ लोगों ने छतों से पथराव शुरू कर दिया, विरोध करने पर फायरिंग कर दी, जिसमें राम गोपाल मिश्रा नामक युवक को गोली लग गई। घटना में करीब 15 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राम गोपाल को मृत घोषित कर दिया। बहराइच के हरदी इलाके में रविवार की शाम तकरीबन 6 बजे ठीक इसी जगह पर मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल हुआ, पथराव हुआ, आगजनी हुई, फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। ये वो घर है जिस पर आरोप है कि इसी घर में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरह से, उसके बाद जो भीड़ थी उन्होंने इस घर पर तोड़फोड़ की है। ये पूरा जो क्राइम सीन है इसको कवर किया गया है। कहा जा रहा है कि इसी घर में जो है खींच कर रामगोपाल मिश्रा को ले जाया गया, उनके ऊपर फायरिंग हुई। यहाँ पे ज्वेलरी शॉप थी, ये देखिए उनके जो तिजोरी है वो बाहर रखी है, तोड़फोड़ यहाँ पे हुई है। दूसरी तरफ आपको दिखाएं आगजनी की तस्वीरें हैं, कुछ चीजें जो है वो जलाई गई है यहाँ पर। और आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं जो बोटल्स रखे हैं जिनके जरिए जो मूर्ति विसर्जन करने के लिए लोग जा रहे थे, उन पर जो हमले हुए वो पत्थर से हुए। और इस तरह की जो कांच की बोतलें हैं कैरेट्स में रखी हुई थी, ये देखिए छतों पे कैसे कैरेट्स रखी हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं कैरेट्स में बोतलें रखी गई थी, इनसे ही फायर जो है उन पर हमला हुआ। तो क्या ये कोई प्री प्लान्ड था, पहले से प्लानिंग थी? देखिए यहाँ पे ये भगवा झंडे लगे हुए हैं और इस्लामिक झंडे हैं। कहा जा रहा है कि भगवा झंडों पर इस्लामिक झंडे लगाए गए, उसके बाद ही ये विवाद चुकी हुआ। एक बार आपको पूरी तस्वीर दिखाने के लिए वापस लेके आते हैं। ये वो सड़क है, इसी रास्ते से जो है जो मूर्ति विसर्जन के लिए वैन थी, गाड़ी थी जिस पर मूर्ति रखी हुई थी वो जा रही थी। ठीक सामने थोड़ी दूरी पर ट्रांसफार्मर के आगे आपको एक गाड़ी दिखाई देगी, वो डीजे वैन था। कहा जा रहा है कि इसी डीजे वैन को बजाने को लेकर जो है वो विवाद हुआ, उसके उसे बंद कराने की लोगों ने अपील की। ये आरोपी का घर है जिसको जिस पर आरोप लग रहा है। और दाईं तरफ से देखिए कैसे कैसे हमले हुए ये इन गलियों में, देखिए तो आपको पत्थरबाजी के निशान मिलेंगे। तमाम जो घर हैं उन घरों पर जो है पत्थर रखे हुए थे, कैरेट्स में बोतलें रखी हुई थी जिनसे हमला हुआ। ये देखिए सब तोड़फोड़ हुई है, ये तस्वीरें आप देखिए कैसे जो है इस विवाद के बाद, फायरिंग के बाद जो है वो तोड़फोड़ हुई है। ये मस्जिद है और कहा जा रहा है कि यहाँ भी जो है यहाँ से भी पत्थर आ रहे थे, यहाँ से भी लोगों पे कैरेट्स फेंके जा रहे थे। ये देखिए पूरा ये इलाका जो है, अब पीएससी की गाड़ी यहाँ आपको दिखाई देगी, फोर्सेस यहाँ तैनात की गई है। इस वक्त यहाँ शांति है, लेकिन कल शाम को यहाँ पे विवाद हुआ था। एक बार दोबारा दिखाते हैं आपको, सामने जो आपको गाड़ी दिखाई देगी वो वही डीजे है जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था। यहीं इसी इलाके में डीजे जो है वो पहुँचा हुआ था, उसके बाद से ही यहाँ पर कुछ लोगों ने डीजे की आवाज को लेकर विरोध किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि रविवार को जब महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे से रेहुआ मंसूर गांव तक मूर्ति विसर्जन जुलूस निकल रहा था, तभी उस स्थान पर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने डीजे बजाने को लेकर आपत्ति जाहिर की। इसी के बाद विवाद बढ़ता चला गया और पथराव और गोलीबारी शुरू हो गई। हिंदू पक्ष से दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिले में बीते दिन हालात ऐसे हो गए कि खुद डीएम और एसपी वृंदा शुक्ला को हेलमेट पहनकर सड़क पर उतरना पड़ा। देर रात पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेके तकरार हुए, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए, उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया। और फिर उसका
फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की, तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहां पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पर जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहां जहां पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहां पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया। वहीं घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हिंसा भड़काने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रतिमा विसर्जन बिना किसी रुकावट के पूरा हो, धार्मिक संगठनों से संवाद स्थापित कर इसे समय पर सम्पन्न करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने जनता को सुरक्षा का भरोसा देते हुए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर लगातार मौजूद रहने का निर्देश दिया है, साथ ही जिनकी लापरवाही से घटना हुई उनकी भी पहचान कर उन पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। बहराइच में रविवार की शाम मूर्ति विसर्जन को लेकर पथराव हुआ, आगजनी हुई, फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की मौत हुई। बताया जा रहा है कि शख्स का नाम जो है रामगोपाल मिश्रा है और इसी परिवार के रहने वाले हैं। 22 साल के करीब उनकी उम्र थी, ये उनकी फैमिली है। कुछ देर पहले जो बॉडी थी वो उनकी लाई गई थी लेकिन फैमिली जो है उसको क्रिमिनेशन नहीं करना चाहती है। फैमिली का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और उनको इंसाफ नहीं मिला, लिहाजा वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। ये फैमिली है, आप उनकी माता जी हैं। माता जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारा बेटा मूर्ति विसर्जन में गया था, तिरंगा लहराने लगा मस्जिद किला पे चढ़ के कोठी पे उनका तिरंगा निकाल दिया, गिरा दिया, अपना तिरंगा लहरा दिया। तब जब ईटा के वार किया है तब बंदूक गिर गए है। कितनी गोलियां लगी है उनको? 24 गोली चली है। 24 गोली चली है, हमने देखा है, तो लाश को देख लीजिए। हाँ, 24 वार। तो आप लो अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है? आप लोग ले गए, न्याय मिलना चाहिए तब अंतिम संस्कार होगा, न्याय मिलेगा तब, न्याय मिलेगा। कब आपके बेटे की उम्र कितनी थी? कितनी उम्र थी आपके बच्चे की? 26 साल। शादी हो गई थी? शादी रे औरत है ये। 3 महीने पहले शादी हुई है, इनकी पत्नी है, 3 महीने पहले शादी हुई है। और ये परिवार किस तरह से परेशान है? आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग न्याय चाहते हैं, उन लोगों को जब मारा जाएगा तो हमारे भाई की लाश को जलाया जाएगा। दुख हुआ है, उतना न्याय होना चाहिए, उसी प्रकार उसको सजा मिलनी चाहिए, तब शांति मिलेगी मृतक को, उसके परिवार को तब शांति मिलेगी, स्वर्ग में भी उसको। ये परिवार है और इनका कहना है कि 2 महीने पहले ही रामगोपाल मिश्रा की शादी हुई थी, उनकी पत्नी है। उनका मानना है कि इंसाफ चाहिए इनको, जिस तरीके से खींचकर इनके बेटे की हत्या की गई, जिस तरीके से उस पर हमले किए गए। इनका दावा है कि उसके बॉडीज पे इतने सारे जख्मों के निशान है, 24 से ज्यादा जख्म है जिसमें गोली के निशान है, उस पर हमले किए गए बाकी नुकीले औजारों से, हथियारों से। और ये परिवार चाहता है कि अब उससे इंसाफ मिले, उसके बाद ही बॉडी को क्रिमिनेट किया जाएगा। तो अभी परिवार ने फिलहाल जो है क्रिमिनेशन से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती दूसरे लोगों पर, जो दूसरा पक्ष है, तब तक ये बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।